हरियाणा के सोनीपत में शनिवार को हरियाणा की 3 होनहार कुश्ती खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिस प्रोग्राम की अध्यक्षता वेल स्पेन इंटरप्राइजेज लिमिटेड ने की और मौके पर भारतीय खेल प्राधिकरण की क्षेत्रीय निदेशक ललिता शर्मा मौजूद रही। राधिका, जिसकी उम्र 20 साल है, ओलंपिक में भारत के लिए एक भविष्य की उम्मीद है। राधिका ने 21वीं महिला जूनियर नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। 62 किलोग्राम में फरवरी 2019 और उसी वर्ष ब्रॉन्ज मेडल भी जीता। एशियन अंडर 23 चैंपियनशिप में 2019 में 62 किलोग्राम में गोल्ड मेडल जीता। महिला कुश्ती खिलाड़ी राधिका ने बताया कि अभी कोरोना काल चला हुआ है और उनके प्रैक्टिस में थोड़ी बाधा है, लेकिन फिजिकल तैयारी वह अच्छे से कर रही है और विश्वास दिलाती है कि ओलंपिक में मेडल लाने का प्रयास करेंगी। आइए सुनते हैं राधिका ने अपने इस अचीवमेंट पर क्या कहा। मेरा नाम राधिका है, मैं पानीपत से हूँ। मैं कुश्ती की खिलाड़ी हूँ। अच्छा, कितने दिन से खेल रहे हो? मैं 4 साल से। कोच का नाम? कुलवंत सिंह ने। आपके पिता? राजबीर। क्या करते हैं? पुलिस में। आपको ये खेल की प्रेरणा किससे मिली है? मेरे काका जी से। अच्छा, आपके परिवार के अंदर खेलते? ना, खेलते कोई नहीं था, उनको शौक था। कौन कौन सा खेल पसंद है? सिर्फ कुश्ती, और तो वैसे तो। अच्छा, कुश्ती के अंदर दाव कौन सा अच्छा लगता है? दाव दो रिपट डबल लेग। अच्छा, खींच करके देना। तो ये बताओ कि आगे लेकर के निर्णय क्या किया, अभी आगे भविष्य में क्या करना चाहते हैं? आगे भविष्य तो ये, अभी सीनियर की हुई हूँ, मैं सीनियर में मेडल लूँगी, फिर उसके बाद 2024 का ये मैं। तुम्हारा सबसे प्यारा जो है ना पहलवान कौन है? सुशील कुमार। और इससे पहले कोई और? ना, कोई नहीं, सिर्फ सुशील कुमार को मानते। आप अपने इस खेल को लेकर के कैसा महसूस कर रहे हो? कि सरकार ने आपको जो सुविधाएं दी हैं वो कितनी संतोषजनक हैं, या आप कुछ और महसूस करते हैं? और सरकार मतलब जो बड़े प्लेयर हैं उनको ही ज़्यादा करती है, ग्राउंड लेवल पे नहीं इतना करती सरकार। मतलब छोटे हमारे अभी हम खेल रहे हैं तो मेडल है दे रहे हैं, इतने ही है, बाद में कोई कुछ किसी को नहीं पूछता। अच्छा, तो सरकार को क्या करना चाहिए? जैसे कोई भी किसी बच्चे को चोट लग जाती है, अच्छा बच्चा है, फिर वो वहीं पे खत्म हो जाता है। अच्छा, उसको फिजियोथेरेपी वगैरह की व्यवस्था वहाँ पर? ट्रेनर नहीं होते आपके पास? नहीं, बच्चे को खुद अपने उस पे करना पड़ता है, खर्चे पे, किसी का व्यवहार तो नहीं होता तो वो नहीं करा पाते हैं। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ज्ञान ज्योति दर्पण के साथ बातचीत की, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप भविष्य के अंदर बेहतर मुकाम हासिल करें। हरियाणा के खिलाड़ियों ने कुश्ती के अतिरिक्त अन्य खेलों में भी भारत का नाम विदेशी धरती पर रोशन किया है और अब यहाँ पर यह 3 महिला कुश्ती खिलाड़ी भी भविष्य में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए लगातार संघर्ष कर रही हैं, क्योंकि ओलंपिक में मेडल प्राप्त करना देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा।